आज मेरे साथ बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और इनकी अदाकारी के तो किससे मैं क्या बताऊँ आपको, शब्दों में नहीं कह सकता। अवतार गिल जी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंबर टुडे में। सर, इस बार आप लवकुश रामलीला में विभीषण का किरदार निभा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये बहुत ही अहम किरदार है रामलीला का जी। जो मेन तीन चार किरदार हैं उनमें आता है जी, और बहुत ही पॉजिटिव किरदार है। और हम जब भी एग्जांपल देते हैं कि भाई हो तो विभीषण जैसा, बिल्कुल, तो उस किस्म का पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ। लंबा भी कैरेक्टर है, मुश्किल भी है, क्योंकि मैंने ज़्यादा करके नेगेटिव रोल किए हैं, तो नेगेटिव रोल करना आसान होता है, अच्छे आदमी का रोल पॉजिटिव रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा कोशिश करूँगा कि रोल ठीक हो जी। सर, आज दूसरा साल होगा आपका ये रामलीला जी, तो क्या एक्सपीरियंस है और क्या किस तरीके के अनुभव भावना है आपकी? मैंने बताया, पिछले साल पहली बार आया था तो थोड़ा नर्वस था, थोड़ा घबराया हुआ था कि इतने हज़ारों आदमियों के सामने, लेकिन अब मैं एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ, और इंशाल्लाह इस बार बेहतर होगा। आज की यूथ के लिए, आज के ज़माने में जो युवा हैं उनको लिए आप रामलीला मंच के हिसाब से या उसके द्वारा किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं? भाई देखिए, जैसे अभी अभी हमने बताया कि इसको कई देशों में 20-25 देशों में लगातार टेलीकास्ट हो रहा है और करीब 25 करोड़ आदमी ऑलरेडी देख रहा है, तो ये सारा यूथ को जो है इंस्पायर करने के लिए हो रहा है। और ये एक दिन में नहीं होगा, या एक महीने में नहीं होगा, या एक साल में नहीं होगा, ये मूवमेंट है, ये धीरे 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 चलती रहेगी, इसमें वक्त लगेगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों को पता लगेगी हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, तो उसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन ये प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके रोल की। शुक्रिया।